उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को नगर निगम परिसर में पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस नगर निगम से निकलकर टाउन हॉल, कलेक्ट्रेट चौक, शास्त्री चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में समाप्त हुई। मशाल जुलूस में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जनेन्द्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला मंत्री राजेंद्र चंद्र चौधरी सहित अन्य शिक्षक शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री राम मोहन शाही ने कहा, मूल्यांकन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मूल्यांकन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बंद करो, बंद करो, मूल्यांकन बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बंद करो, बंद करो, राम मोहन शाही, प्रदेशी मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मुख्य रूप से पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ रहा है और साथ ही साथ स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों की दयनीय दशा को देखते हुए सम्मानजनक 5 अंक के मानदेय की बात कर रहा है। और जितने भी तदर्थ शिक्षक हमारे हैं उत्तर प्रदेश में, जो 2200 कुछ अभी शेष रह गए हैं, उनको नियमित करने के लिए हम आंदोलनरत हैं और ये मशाल जुलूस जो है उनके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। और हमारा इसके साथ भी 6 मांगे और हैं, जिन 6 मांगों की भी प्राथमिकता के अंदर आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रमुख मांगे अगर ये मान ली जाती हैं तो मैं जानता हूं कि जितने भी हमारे देश हैं वह इस संगठन के साथ पूरे हो जाएंगे।